हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है, बाय यूजिंग पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला टू प्रूव दैट एफ ऑफ आर इंटू ई के पावर आल्टा थीटा इज इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन 0 to 2π आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ ऑफ आर इंटू ई के पावर आल्टा फाई डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस के 2rr कोस थीटा माइनस फाई प्लस के आर स्क्वायर। ओके, आपको ये वाला रिजल्ट अब की बार प्रूफ करना है और यूज़ करना है कोची इंटीग्रल फार्मूले का। तो भाई हम जानते हैं, मैं डायरेक्ट प्रूफ देने जा रहा हूँ। वी नो द पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला। पॉइजन इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करना है बेटा, मैंने वर्ड गलत बोल दिया था, कोची इंटीग्रल फार्मूला। वी नो द पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है? पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर इसका प्रूफ दे चुका था हमें। फार्मूला होता है बेटा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू होता है 1/2π बेटा कर्व इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बार इंटू एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए इंटू आर स्क्वायर माइनस जेड इंटू ए बार। ओके, ये मेरे पास फार्मूला होता है, ज़रा समझने की कोशिश करो बेटा। ए की जगह क्या आ रहा है? आर ई की पावर आल्टा थीटा आ रहा है ना। और एफ ऑफ जेड की जगह क्या आ रहा है? देखो आप, डी फाइव जेड की जगह क्या आ रहा है? आर ई की पावर आल्टा फाइव आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अंदर जो एक चीज़ और भी होती है, ये पूरे का पूरा जो फार्मूला होता है मोड जेड इज इक्वल टू आर के लिए वैल्यूड होता है अगर कोई सर्कल आर हो। क्लियर है ना, सर्कल आर के लिए वैलिड है। और आप जानते हो कि सर्कल आर के लिए वैलिड का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आर हो। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर कोई सर्कल हो जिसकी रेडियस आर हो और सेंटर जीरो हो, उसकी लिमिट 0 to 2π होती है। अर्थात ये लिमिट तो सीधी सीधी आ जाएगी 0 to 2π, ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि नाउ पुटिंग इस फार्मूले के अंदर मैं पुट करूँगा जेड इज इक्वल टू, मैंने पुट करा जेड इज इक्वल टू, इसी के अकॉर्डिंग रखा मैंने आर इंटू ई की पावर आल्टा फाई। क्लियर, और एंड स्मॉल ए इज इक्वल टू जो रखा, देखो आप ए यहाँ देखो आप ए आ रहा है ना, ये ए आ रहा है ना, ए की जगह मेरे को यहाँ देखो आप, यहाँ से क्लियर होगा ए की जगह मैंने क्या पुट करा आर ई की पावर आल्टा थीटा। यहाँ से देखो ए इसे रिप्लेस किया गया है, मैंने आर इजल ए इजल टू कितना रखा आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा। अब मैं कैलकुलेशन शुरू कर दूंगा और रिजल्ट निकालूंगा। जब ए ये है तो ए बार की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? ए बार होगा आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा का बार। तो ए बार की वैल्यू आ जाएगी कितना? आर इंटू ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा। आर तो रियल नंबर है भाई, आप समझते हो, आयोटा से पहले माइनस का निशान लग जाएगा। क्लियर, नाउ ऊपर वाला कैलकुलेट करूँगा मैं। पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस ए ए बार। नाउ आर स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बार इज इक्वल टू, आर की वैल्यू डाली मैंने भाई, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये वाली वैल्यू तो मेरे पास एज इट इज रही, आर स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू डाली मैंने जो कि आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा है, इंटू ए बार की वैल्यू डाली आर इंटू ई की पावर माइनस के आल्टा थीटा है। गुणा करने पर ये ख़त्म हो जाएगी, निकल करके आएगा आर स्क्वायर माइनस ए ए बार इज इक्वल टू होगा, ये तो होगा आर स्क्वायर माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट, स्मॉल आर स्क्वायर। एक रिजल्ट तो बन गया मेरा, ये ऊपर वाला तो आ चुका आर स्क्वायर आर स्क्वायर, एफ ऑफ जेड भी आ चुका। अब नीचे वाले को सेट करूँगा मैं, नाउ दोनों की दोनों वैल्यू निकाल लूँगा और दोनों रिजल्ट डाल लूँगा। नाउ एक बार इस वैल्यू को लिख लूँ जो मैंने कैलकुलेट की है। मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया है
आर स्क्वायर माइनस ए ए बार इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको नाम दिया है मैंने इक्वेशन ए का। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ नीचे वाली वैल्यू। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग जेड माइनस के ए, जेड माइनस के ए इंटू ये है आर स्क्वायर माइनस जेड इंटू ए बार इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो आप इसका, ये कितना निकला भाई आर स्क्वायर जेड निकला माइनस जेड स्क्वायर ए बार हुआ अगली कैलकुलेशन के बाद माइनस ए इंटू आर स्क्वायर हुआ, देखो आप ए इंटू आर स्क्वायर हुआ प्लस जेड ए इंटू ए बार हुआ, आ चुका ना, इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ चुका। मैं वैल्यू डाल रहा हूँ भाई, ये मेरा आर तो एज इट इज, जेड की वैल्यू कितनी है आर इंटू ई की पावर अल्टा थीटा, कितनी है वैल्यू आर इंटू ई की पावर आयोटा फाई, पहले वाली वैल्यू डल गई आर की, माइनस जेड स्क्वायर का मतलब कितना है, जेड स्क्वायर का मतलब है ये आर इंटू ई की पावर आयोटा फाई का कंप्लीट स्क्वायर, ओके इंटू अगले वाली वैल्यू है ए बार की, ए बार की वैल्यू कितनी है आर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, आर इंटू ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा क्लियर, प्लस माइनस ए की वैल्यू डाली आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आर स्क्वायर एज इट इज रखा, प्लस जेड की वैल्यू डाली जो कि आर इंटू ई की पावर आयोटा फाई है इंटू ए बार की वैल्यू डाली आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आर इंटू ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा, ये वाली वैल्यू डाली, ये वाली वैल्यू डाली, ये वाली वैल्यू डाल दी, डल की सारी वैल्यू आपके सामने है। अब देखता हूँ सॉल्व करता हूँ भाई, इधर यहाँ मेरे पास निकल करके आया, पहले एक बार इसी को लिखूँगा मैं, जेड माइनस ए ये हुआ आर स्क्वायर माइनस जेड ए बार इज इक्वल टू ये हुआ आर स्क्वायर इंटू आर, देखो हर जगह से एक चीज़ कोई ना कोई कॉमन निकल करके आएगी, ओके जहाँ तक भी हो सकता है मैं कॉमन निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, आर ई की पावर आल्टा फाइव को कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा मैं, एक बार मैं इसको रिसेट कर दूँ, ये हुआ मेरे पास, जरा देखो आप कॉमन ले लो इसके अंदर से डायरेक्ट, या एक बार एक स्टेप लिख लो, ये तो हुआ आर स्क्वायर इंटू आर ई की पावर आल्टा फाइव हो चुका माइनस, अगले वाला स्टेप निकला आर स्क्वायर, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई किया ई की पावर टू आयोटा फाइव ये हुआ टू आयोटा फाइव हो चुका, ओके इंटू आर ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा क्लियर, अगले वाला स्टेप निकला माइनस आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आर स्क्वायर निकल गया, प्लस लास्ट स्टेप निकल करके आया मेरे पास आर इंटू ये तो कैंसिल आउट हो चुका आर स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा फाइव, देखो आपके सामने निकल गया। यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया आर ई की पावर आयोटा फाइव कॉमन ले लिया, आर ई की पावर आयोटा फाइव कॉमन लेने के बाद यहाँ से तो बचा कितना आर स्क्वायर बचा माइनस आर कॉमन लेने के बाद कैपिटल आर और स्मॉल आर बच रहा है, कैपिटल आर बच रहा है स्मॉल आर बच रहा है और ई की पावर कितना बच रहा है ई की पावर आल्टा फाई इंटू ई की पावर माइनस के आल्टा थीटा ये बच रहा है माइनस आर ई की पावर आल्टा फाई तो कॉमन ले लिया, यहाँ मेरे पास कितना बचा भाई ये हुआ आर कैपिटल आर स्मॉल आर ये हुआ ई की पावर आल्टा थीटा और इसके बटन में कितना पहुँच जाएगा ई की पावर आल्टा फाई, क्यों यहाँ तो आल्टा फाई है ही नहीं, प्लस यहाँ ये कॉमन लेने के बाद ये बचा आर स्क्वायर, ये मैंने बंद कर दिया। अब इसको देखो बेटा आप इधर तो चल ही रहा है ये निकल करके आर इस आर ई की पावर आल्टा फाई ये निकला आर स्क्वायर
माइनस के आर आर, ये कितना हो जाएगा ई की पावर, कॉमन लेने के बाद आल्टा कॉमन ले लिया, फाई माइनस के थीटा हुआ। ओके माइनस के आर आर, माइनस के यहाँ से भी हुआ आर इंटू आर, यहाँ उल्टा हो जाएगा ई की पावर आल्टा कॉमन लेने के बाद, ये कितना हो जाएगा भाई, अगर यहाँ फाई माइनस थीटा है तो माइनस का निशान कॉमन लेने के बाद ये भी फाई माइनस के थीटा हो जाएगा। सोच करके देखो आप, ऊपर जाने के बाद माइनस होगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, फाई माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस के कितना होगा आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया आर ई की पावर आल्टा फाई, ये हुआ आर स्क्वायर, माइनस आर आर कॉमन ले लिया मैंने, आर आर कॉमन, यहाँ मेरे पास बचा ई की पावर आल्टा फाई माइनस के थीटा, प्लस ई की पावर माइनस आल्टा फाई माइनस के थीटा, प्लस के आर स्क्वायर। क्लियर, हमारे पास होता है बेटा ई की पावर आल्टा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आल्टा थीटा इजिक्वल टू होता है टू कोस थीटा, टू इंटू कोस थीटा। मैंने इस वाले फार्मूले का यूज़ किया, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई, यहाँ से मेरे पास निकला, इधर तो चल ही रहा था वो, उधर वाला तो चल ही रहा है, जेड माइनस ए है और ये है आर स्क्वायर माइनस जेड इंटू ए बार इज इक्वल टू, ये तो हुआ मेरे पास आर ई की पावर आल्टा फाई, यहाँ हुआ मेरे पास आर स्क्वायर माइनस, देखो आप टू तो इसकी वजह से निकला, टू आर आर, टू आर आर कोस, एंगल कितना है फाई माइनस के थीटा है, प्लस का कितना निकला आर स्क्वायर। क्लियर है ना, दोनों के दोनों रिजल्ट पुट करूँगा मैं, एक इससे पहले भी रिजल्ट निकाल चुका था, एक इससे पहले रिजल्ट में ये निकाल चुका था बेटा, एक तो रिजल्ट मेरे पास ये निकला, सपोज दैट ये इक्वेशन बी है, एक इससे पहले मेरे पास आ चुका था आर स्क्वायर माइनस ए ए बार इज इक्वल टू था आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। एक चीज़ और भी है बेटा, आर इज इक्वल टू कितना था मेरे पास, आर सॉरी जेड इज इक्वल टू जो माना था मैंने, देखो आप फिर आप कहोगे कि सर ये कैसे बता रहे हो आप, जेड इज इक्वल टू जो माना था वो माना था आर इंटू ई की पावर आल्टा फाई, मेरे को डी जेड भी चाहिए, डी जेड जो होगा आल्टा आर ई की पावर आल्टा फाई इंटू डी फाई हो। ओके सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग अबव वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू, ये वाली वैल्यू ए, ये वाली वैल्यू बी, इसको सी मान लो, एंड ए इज इक्वल टू मान रखा था मैंने आर ई की पावर आल्टा थीटा, देखो आप ए इज इक्वल टू था आर ई की पावर आल्टा थीटा, सारी की सारी वैल्यू पुट करना हो पॉइजन इंटीग्रल फार्मूले के अंदर। ओके पुटिंग दीज वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यूज इन पॉइजन फार्मूला, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बेटा। ओके यहाँ वैल्यू डालो आप, रुको अभी आप जरा इसको ऐसे कर लो मैं, ताकि आपको दोनों के दोनों दिखते रहें, एक बार लिख लो यार इसको वरना फिर प्रॉब्लम होगी, एक मिनट एक मिनट डालता हूँ वैल्यू, यहाँ से देखो आप, दिक्कत हो रही है यार बहुत ज़्यादा, क्या करूँ मैं, रुको कोई ना कोई तो तरीका निकालूंगा मैं, आपको दिखना भी चाहिए और काम भी हो जाए। देखो बेटा एफ ऑफ ए है ना, एफ ओफ ए की वैल्यू आर ई की पावर आल्टा थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आल्टा, वन अपॉन टू पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन, कर्व कितना था सर्कल, सर्कल कहाँ से कहाँ तक जाता है, जीरो से टू पाई तक, जो बात जीरो से लेकर टू पाई, आर स्क्वायर माइनस ए बार, आर स्क्वायर माइनस ए बार की वैल्यू डाली कितना निकल गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एफ, जेड की वैल्यू डालो आर ई की पावर आल्टा फाई, आर इंटू ई की पावर आल्टा फाई, डी जेड की वैल्यू डालो आयोटा आर
ई की पावर आल्टा फाई डी फाई, डेल की वैल्यू डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट डाल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू है डाल दूँ, कितने निकल करके आया भाई वैल्यू डालने के बाद, ये हुआ आर स्क्वायर माइनस के टू आर कैपिटल आर कोस फाइव माइनस के थीटा, फाइव माइनस के थीटा प्लस के आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस आई से ये आई कैंसिल, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, एक आर है जो मेरे को परेशान कर रहा है, ठीक है ना, इस आर का भी केस देखते हैं भाई, कहाँ से कैसे होगा क्या होगा। और हाँ, इसके मल्टीप्लाई में कितना है बेटा, ये देखो आप, इंटू आर ई की पावर आल्टा फाई मल्टीप्लाई में है, आर इंटू ई की पावर आल्टा फाई, इससे सीधा सीधा ये कैंसिल, कितना निकल कर क्या एफ ऑफ आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई, तो ये होगा इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हुआ, एफ ऑफ आर इंटू ई की पावर आल्टा फाई हुआ इंटू डी फाई हुआ, बटे कितना बचा हुआ है आर स्क्वायर माइनस के टू आर आर कोस थीटा माइनस फाई लिखो या फाई माइनस थीटा लिखो, इसको मैं थीटा माइनस फाई कर रहा हूँ, रीज़न दे दूँगा आपको, प्लस के आर स्क्वायर, क्यों कोस माइनस के थीटा बराबर कोस थीटा होता है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, थीटा माइनस फाई करो या फाई माइनस थीटा करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, यही आपका प्रूफ है, यही आपको निकालना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके बाय।